मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज मैं आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में, जिसका पाठ्यक्रम मूल विधि। और इस मूल विधि पाठ्यक्रम में महिला और बच्चों से संबंधित कानून के अंतर्गत एक और अधिनियम पर। इससे पहले मैं टोटल 8 अधिनियम बता चुका हूँ, जिसमें 2 अधिनियम महिला कानून से संबंधित है। एक तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम, और दूसरा था अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। तो ध्यान से आप देखें, इसकी प्लेलिस्ट आपके पास है, आप एक एक अधिनियम को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे निश्चित तौर पर जाते हैं। तो आज मैं बात करूँगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पे, यानी द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है और इससे पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे भी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस अधिनियम के बारे में एक एक पॉइंट में आपसे डिटेल में चर्चा करूँगा कि दहेज है क्या, यह अधिनियम कब आया, इसकी अधिकारिता क्षेत्र क्या है, एक एक पॉइंटों पे डिटेल में आपसे बात की जाएगी। और लास्ट में इस अधिनियम के लास्ट में मैं आपके माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बारे में बात करूंगा। तो पूरा अधिनियम ध्यान से देखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं, निर्णय हैं, वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पूरा अधिनियम शुरू से अंत तक देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। निश्चित तौर पर आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दहेज यानी डाउरी है क्या। तो दहेज अर्थात डाउरी की परिभाषा यहाँ पे मैंने मेंटेन किया है, और आप इसको ध्यान से देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत, ये डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति, नकदी एवं वस्तु से है जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व अथवा विवाह के पश्चात विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक अथवा रिश्तेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाए या देने का करार किया जाए, यह दहेज कहलाएगा। तो आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति, नकदी एवं वस्तु से है जो विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात किसी भी पक्षकार द्वारा या वर पक्ष या वधु पक्ष द्वारा या उनके माता पिता द्वारा या उनके रिश्तेदार द्वारा दिया जाए या देने का करार किया जाए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे हम दहेज कहेंगे। एक चीज़ यहाँ पर हमने नोट में लिख दिया है कि शरीयत कानून यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है मेहर यहाँ पे लागू नहीं होता है, यानी मेहर को इस दहेज के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि शरीयत कानून के अंतर्गत मेहर यहाँ पे लागू नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, 20 मई 1961 को यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत यानी अधिनियमित हुआ। तो एक डेट आप ये याद रखेंगे कि यह अधिनियम पारित कब हुआ। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित कब हुआ, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 20 मई 1961 को। तो 20 मई 1961 को ये अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ या अधिनियमित हुआ, तथा 1 जुलाई 1961 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 1961, और पारित कब हुआ तो आंसर होगा 20 मई 1961। ये दो बातें अलग अलग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, किंतु अब ये जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान की धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अब जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 को हटा लिया गया है, यानी सामान्य रूप से सारे कानून जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होंगे। तो यह अधिनियम भी अब जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट
पॉइंट आपको नोट किया है मैंने, इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य दहेज के लेन देन को किसी भी रूप में निषिद्ध करना है। यानी डाउरी एक्ट क्यों लाया गया, इसके लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो किसी भी रूप में दहेज के लेन देन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी दहेज के लेन देन को निषिद्ध करने रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध गैर जमानतीय एवं संज्ञेय अपराध होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे मैं धारावाहिक इस पर फिर से बात करूंगा, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध गैर जमानतीय एवं संज्ञेय अपराध होगा तथा बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के बिना किसी आदेश के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा तथा बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो आपका आंसर होगा कि इस अधिनियम में टोटल 10 धाराएं हैं। अब मैं एक एक पॉइंट पर आपसे धारा 1 से लेकर धारा 10 तक बात करूंगा और अधिनियम के लास्ट में मैं उच्चतम न्यायालय के 2-3 डिसीजन पर भी चर्चा करूंगा। आइए पहली धारा पे आ जाइए, अधिनियम की धारा 1 पर। अधिनियम की धारा 1 पर जब आप आएंगे तो देखेंगे अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, इसकी अधिकारिता क्षेत्र कहाँ तक है और ये प्रवर्त कब हुआ या लागू कब हुआ। अधिकतर अधिनियम में धारा 1 में यही मेंशन किया जाता है। तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम बताया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, यानी द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। अच्छा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। राजपत्र में यानी भारत सरकार के गजट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा नियत करेगी, उस तिथि से यह अधिनियम लागू माना जाएगा। तो यह तिथि थी 1 जुलाई 1961, यानी यह अधिनियम जो लागू हुआ वो 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। अच्छा, अधिनियम की धारा 2 यहीं पे मैंने नोट कर दिया है। तो अधिनियम की धारा 2 में दहेज की परिभाषा है, जो मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बता दिया है कि दहेज है क्या, ये आपको क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट है अधिनियम की धारा 3, आइए देखते हैं। अधिनियम की धारा 3 देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यही 3 और 4 पूछ लिया जाता है। अधिनियम की धारा जो 3 है, ये आपकी पेनल्टी फॉर गिविंग आर टेकिंग डावरी से संबंधित है। पेनल्टी फॉर गिविंग आर टेकिंग डावरी से है, जबकि धारा 4 का सीधा संबंध है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, यानी इसमें देने या लेने के लिए दंड है और 4 में मांगने के लिए दंड है। तो यही दोनों धाराएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3, इसके अंतर्गत दहेज लेने या दहेज देने अथवा दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंतर्गत दहेज लेने या दहेज देने अथवा दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि 5 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना होगा, जो कि 5 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना होगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत अधिकतम सजा क्या है, तो 5 वर्ष की सजा है, साथ ही जुर्माना। अच्छा, जुर्माने की रकम 15,000 रुपये या दहेज के मूल्य की रकम तक होगी, 15,000 रुपये या दहेज के मूल्य की रकम तक होगी। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नोट हमने लिखा है और ये नोट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, किसी रूढ़िगत परंपरा के चलते वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को या वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी गई भेंट इसके अंतर्गत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि किसी समाज में कोई परंपरा है कि ये देना चाहिए, ये लेना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा हम विश्वास रखते हैं, तो वो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए धारा 4 पर,
अधिनियम की धारा 4 आपके सामने लिखी है। अधिनियम की धारा 3 में आपने देखा कि दहेज लेने या देने अथवा लेने या देने का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि 5 वर्ष के कारावास एवं 15,000 रुपये के जुर्माने या दहेज के मूल्य के रकम के बराबर जुर्माने तक होगा। तो ये तो धारा 3 हो गई। धारा 4 आप देखिए, इसमें दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। धारा 4 इसके अंतर्गत वर पक्ष अथवा वधु पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा, वो माता पिता, नातेदार, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, तो इसके अंतर्गत वर पक्ष अथवा वधू पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यूनतम 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास व 10,000 रुपये के जुर्माने तक होगा। तो ये धारा 4 हुई। अब आप देखेंगे धारा 4 का, आइए अगले पॉइंट पर। आप देख रहे हैं अधिनियम की धारा 4 का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ये पूछ लिया जाता है। आपको बताते चलें कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपनी आर्थिक स्थिति का विज्ञापन देना इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आप जनरली अक्सर पेपर में देखते होंगे वर वधू वाला जो क्लासिफाइड आता है, आपका विज्ञापन आता है, उसमें लिखा रहता है कि आय 5 अंकों में, आय 4 अंकों में, या इतने लाख रुपए पर एनम, इस तरह के लिखे रहते हैं। ये अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। हाँ, ये है कि जब तक संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है तब तक ठीक है, अदरवाइज कंप्लेन करने में ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए लोग उसको थोड़ा सा बचाव करते हुए लिखते हैं कि इनकम 5 अंकों में, इनकम 6 अंकों में, इनकम 4 अंकों में। तो आप भी समझ रहे होंगे, धारा 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत विवाह के संदर्भ में अपनी संपत्ति आर्थिक स्थिति के लिए विज्ञापन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि 6 माह से 5 वर्ष तक के कारावास एवं 15,000 रुपये के जुर्माने तक होगा। तो अधिनियम की धारा 4 का याद रखेंगे, इसमें अपनी विवाह के संदर्भ में अपनी आर्थिक स्थिति का विज्ञापन करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास एवं 15,000 रुपये के जुर्माने तक होगा। अधिनियम की धारा 5 देखिए, अधिनियम की धारा 5 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार 0 होगा। इसके अंतर्गत दहेज लेने या दहेज देने के लिए किया गया करार 0 होगा, अर्थात करार की वैधानिकता नहीं होगी। यानी वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में आपस में दहेज को लेकर के जो भी लिखित या अलिखित करार हुआ है, समझौता हुआ है, वह इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत 0 माना जाएगा, अर्थात उस करार की कोई वैधानिकता नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार 0 होगा, जिसकी कोई लीगल मान्यता नहीं होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अधिनियम की धारा 6 पर। तो धारा 6 में आप देखिए, इसके अंतर्गत दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी या उसके वारिसों के हित में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये ध्यान रखिएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6, इसके अंतर्गत दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी या उसके वारिसों के हित में किया जाएगा, तथा अंतरित किए जाने तक पति या उसके माता पिता न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। यानी अगर स्त्री या पत्नी की संतान नाबालिग है तो उसके 18 वर्ष की आयु होने तक पति या उसके माता पिता ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे उस संपत्ति के संदर्भ में। अगला पॉइंट इसी धारा का देखिएगा, यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर, यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से भिन्न किसी अन्य कारण से हो जाती है,
तो ऐसी स्थिति में दहेज से संबंधित संपत्ति संतान को अंतरित की जाएगी यानी सौंपी जाएगी, तथा संतान ना होने की स्थिति में स्त्री के माता पिता को अंतरित कर दी जाएगी, यानी स्त्री के जो माता पिता होंगे उसको सौंप दी जाएगी उस स्थिति में जब स्त्री की कोई अपनी संतान नहीं होगी। इसी धारा का एक पॉइंट और देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि यदि अंतरण सीमा जो निर्धारित की गई है उसके भीतर व्यक्ति असफल रहता है तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं अधिनियम की धारा 6 में लास्ट में आप देखिएगा कि परिसीमा काल के भीतर अंतरण करने पर असमर्थ रहने पर किसके द्वारा, स्त्री के पति या उसके माता पिता द्वारा जो संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं, तब तक जब तक जो है संतान बालिग ना हो जाए या उस स्त्री को सौंप ना दी जाए संपत्ति। तो परिसीमा काल के भीतर अंतरण करने पर असमर्थ रहने पर न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो कि 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक होगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी यहां पे 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का कारावास और 5,000 से 10,000 तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। तो ये धारा 6 काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए अधिनियम की धारा 7 पर। अधिनियम की धारा 7 आप देखिए, अपराधों का संज्ञान, अधिनियम की धारा 7 अपराधों का संज्ञान है। इसके अंतर्गत विचारण महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अगर कोई अपराध होता है तो इसका विचारण जो होगा यानी ये जो ट्रायल होगा वो महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगा, एक पॉइंट। और ये संज्ञान में कैसे लिया जाएगा, तो इसके 4 पॉइंट यहाँ पे नोट हैं, चारों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। न्यायालय अपराध का संज्ञान स्वयं ले सकता है, न्यायालय अपराध का संज्ञान स्वयं ले सकता है। कैसे ले सकता है, किसी न्यूज़पेपर में कोई जानकारी आती है, कोई संवाददाता लिखता है कि यहाँ पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत ये अपराध हो रहा है, या सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल होती है और उसको न्यायालय संज्ञान में लेकर मुकदमा चला सकता है, या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले सकता है, व्यथित व्यक्ति या उसके परिजन के परिवाद के आधार पर ले सकता है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संगठन जिसमें आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं यानी एनजीओ वगैरह हैं, तो इनके परिवाद पर संज्ञान ले सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा अधिनियम की धारा 7 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें अपराधों के संज्ञान के बारे में बताया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अधिनियम की धारा 8 आइए। अधिनियम की धारा 8 देखिए, इसके अंतर्गत इस अधिनियम के तहत समस्त अपराध संज्ञेय गैर जमानती एवं असमनीय होंगे तथा किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो ये हमने शुरुआती दौर में भी आपको बता दिया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत किए गए समस्त अपराध इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध होंगे, नॉन वेलेबल होंगे, गैर जमानती अपराध होंगे एवं असमनीय होंगे। असमनीय से मतलब हमारा है कि न्यायालय से बाहर ऐसे अपराधों के संबंध में समझौता नहीं किया जा सकता है। सामान्य अपराध में क्या होता है, 2 पक्षों में समझौता कराया जा सकता है, लेकिन संज्ञेय अपराध में या किसी की हत्या करके के रेप करके समझौता नहीं कराया जा सकता है। तो ऐसे अपराध गैर जमानती संज्ञेय एवं असमनीय होंगे तथा किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 8 का देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत धारा 3 और धारा 4 का यदि कोई अपराध करता है तो सबूत का भार आरोपित पर होगा, वह व्यक्ति स्वयं सिद्ध करे कि वह निर्दोष है और उसने इन धाराओं के तहत अपराध नहीं किया है। तो देख लीजिए अधिनियम की धारा 8 का, इसके अंतर्गत धारा 3 के तहत दहेज लेने या देने तथा धारा 4 के तहत दहेज मांगने का अपराध करने पर सबूत का भार आरोपित पे होगा और ये आरोपित को प्रूफ करना पड़ेगा कि वह निर्दोष है और उसने धारा 3 और 4 के तहत कोई अपराध नहीं किया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अधिनियम की धारा 8 पर आ जाइए। अधिनियम की धारा 8 में आपको याद केवल इतना रखना है
कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ये पूछा जाता है आपसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जिसका कार्य यह देखना होगा कि इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जा रहा है तथा दहेज लेने या देने या मांगने के दुष्प्रेरण को यथासंभव रोकना भी दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का क्रियान्वयन नियमानुसार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यह देखना दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य होगा। अच्छा, इसी के साथ राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी के समान शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी को राज्य सरकार पुलिस अधिकारी के समान शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो आपका उत्तर होगा अधिनियम की धारा 8 के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले पॉइंट पर आ जाइए, अधिनियम की धारा 9 पर और लास्ट 10, दोनों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अधिनियम की धारा 9, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के संबंध में नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है। ध्यान रखिएगा, अधिनियम की धारा 9, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 9 के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के संबंध में नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है, किंतु इसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होगा। एग्जैक्टली यही चीज़ राज्य सरकार के लिए है, लेकिन वो अधिनियम की धारा 10 में है। तो इसको भी एक बार पढ़ देता हूँ, अधिनियम की धारा 10, इसके अंतर्गत राज्य सरकार, ये ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के संबंध में नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है, किंतु इसे यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यहाँ संसद के समक्ष रखा जाएगा और यहाँ विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा अधिनियम की टोटल 10 धाराएं थी, और मैंने जहाँ तक इम्पोर्टेंट था, हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी था, उतना एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया। अब लास्ट में आपसे कुछ उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए पहला निर्णय, आइए पहला वाद देखते हैं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये अधिनियम की धारा 4 से संबंधित है, जिसमें दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर, ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये वाद किससे संबंधित है, तो ये वाद डावरी एक्ट से संबंधित है। तो ये भी आंसर हमारा हो सकता है कि हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण वाद किससे संबंधित है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से संबंधित है। तो हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर के वाद में निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो, वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपराध की पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। जहां दहेज की लगातार मांग हो, वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। आइए नेक्स्ट वाद देखते हैं, ये एक सेकंड वाद है, आप इसको देखिएगा, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये डावरी एक्ट से संबंधित वाद हैं। तो विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां पत्नी असामान्य परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्ष के भीतर मर गई, क्योंकि विवाह के 7 वर्ष के भीतर यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में डावरी एक्ट लगाया जा सकता है। यदि ये समय 7 वर्ष से एवब हो जाता है, तो डावरी एक्ट के तहत नहीं आएगा ये। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहाँ पत्नी असामान्य परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्ष के भीतर मर गई है, तो तंग किए जाने एवं क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के
पूर्व बयान दिया था वहाँ अभियुक्त व्यक्तियों की दोष सिद्धि मान्य होगी। यदि मृत्यु से पहले पत्नी ने अपने ऊपर हो रही क्रूरता एवं तंग किए जाने के संबंध में बयान दिया है और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो संबंधित अभियुक्त दोषी सिद्ध माने जाएंगे। यहाँ पर किसी साक्ष्य या किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट वाद देख लीजिए, ये तीसरा और लास्ट वाद और आप देखिए। शांति बनाम स्टेट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि दहेज मृत्यु के लिए निम्न तथ्य आवश्यक हैं, यानी किन परिस्थितियों में किस स्थिति में कहा जाएगा कि ये दहेज मृत्यु होगी। तो शांति बनाम स्टेट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये तथ्य निर्धारित किए। इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि एक विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, यानी दहेज एक्ट सिर्फ विवाहित महिला की मृत्यु पर ही लागू होगा। तो एक विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मृत्यु सामान्य कारणों से भिन्न कारण से हुई हो, इसका मतलब है जलाने से मृत्यु हुई हो या फांसी लगाने से मृत्यु हुई हो, गला दबाने से मृत्यु हो, जहर देकर के मार दिया गया हो, यानी सामान्य कारणों से भिन्न कारण से महिला की मृत्यु हुई हो। तीसरा पॉइंट है, ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो तब डाउरी एक्ट के तहत माना जाएगा, अदरवाइज दहेज हत्या का अपराध ये नहीं माना जाएगा यदि ये टाइम पीरियड 7 वर्ष से ऊपर क्रॉस कर जाता है। चौथा पॉइंट है, ऐसी महिला के साथ पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता की गई हो और ये क्रूरता दहेज मांगने के संबंध में की गई हो। तो इस तरह के ये 5 पॉइंट हैं और ये शांति बनाम स्टेट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि दहेज मृत्यु के लिए कौन से तथ्य हो सकते हैं। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे बताते चले कि इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 304 खा में दहेज हत्या के संबंध में प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान। और दहेज हत्या की जो विवेचना होती है वो राजपत्रित पुलिस अधिकारी करता है, व्यवहार में क्षेत्राधिकारी यानी सर्कल अफसर करता है। तो आपने देखा दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूरा कंप्लीट हुआ है और इसमें हमारी परीक्षा यानी UPSI के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो लगभग हमने सब कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कोई कमी है, कुछ चीज़ें स्लिप हो गई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस समस्या का समाधान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आपसे मिलेंगे और अधिनियम में एक एक करके कंप्लीट करा दूंगा। अधिनियम कंप्लीट होने के बाद इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी IPC और CRPC के बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। आप धैर्य के साथ देखते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।